अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारी एसएससी चैप्टर पार्ट टू चैप्टर टू का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, कल जो हमने लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वेस्कुलर बंडल, कॉलन काइमा, सेफलेरिन काइमा, टर्गर प्रेशर, ये चीज़ें पढ़ी थी। आज दूसरा टॉपिक है हमारे चैप्टर का और ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास जो बुक होगी पीटीबी की उसके ऊपर हेडिंग होगी सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, आज हमने वही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ की तरफ आते हैं कि व्हाट इज ग्रोथ। नॉर्मली ग्रोथ से मतलब होता है कि बढ़ना, नशोनुमा पाना, इसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ की दो टाइप्स होती है प्लांट में, हमने यही दो पढ़नी है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, इसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप 9th में पढ़ के आए थे कि प्राइमरी ग्रोथ किसे कहते हैं। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। जब एक पौधा उसकी लंबाई में इजाफा होता है उसे आप लोग कहते हो प्राइमरी ग्रोथ। अब ये लंबाई में इजाफा क्यों होता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम एक्टिविटी करता है। एपिकल लफ्ज एपिक्स से निकला है, इससे मुराद टिप। ठीक है जी, जैसा कि एक प्लांट होगा, फर्ज करें एक प्लांट है तो उसके टिप के ऊपर जो एपिकल मेरिस्टम मौजूद होंगे उसे हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। जब ये डिवाइड करेंगी तो अल्टीमेटली पौधे की लेंथ में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और इट अकर फर्स्ट, जब भी सीडलिंग निकलता है, ठीक है, उसमें प्राइमरी ग्रोथ पहले होती है फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कुछ कंडीशन में सेकेंडरी, कुछ पौधों में एज अ जैसा एग्जाम्पल है मोनोकोड, सेकेंडरी होती नहीं है, सिर्फ प्राइमरी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीट। अच्छा जी, अब दूसरी टाइप की जो ग्रोथ होती है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, विच इज अवर टॉपिक ऑफ टुडे। ठीक है जी, इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। किसी पौधे की चौड़ाई में इजाफा, ठीक है, पौधे की चौड़ाई में इजाफा, वो पहले पतला था फिर उससे ज्यादा मोटा होना शुरू हो गया उसकी लेटरल मेरिस्टम्स की एक्टिविटी की वजह से, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और ये क्यों होती है जी, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ लेटरल मेरिस्टम। अब ये लेटरल मेरिस्टम किसे कहते हैं, सपोज ये प्लांट है तो उसके इस साइड पे, साइडों पे, किनारों की तरफ जो मेरिस्टम होते हैं उसे कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। जब ये एक्टिविटीज करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पौधे की लेंथ में, सॉरी चौड़ाई में, पौधे की जो विड्थ है वो बढ़ना शुरू हो रही है। ठीक है, पहले इतना सा था, अब कितना हो गया। और इट सेकंड फेज, ये ग्रोथ में बाद में होती है, क्यों, क्योंकि पहले प्राइमरी ग्रोथ में होगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्टैंडिंग कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं जी टॉपिक की तरफ, सेकेंडरी ग्रोथ। सो व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ, इट अकर इन वुडी प्लांट टू स्टेबलाइज देमसेल्फ ऑन अ ग्राउंड अगेंस्ट ग्रेविटी, नंबर वन। नंबर टू, इट अकर इन डाइकोट प्लांट। ठीक है जी, ये डाइकोट्स में होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो मैंने लिखा है ये इसकी डेफिनेशन है। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, इट इज द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, थिकनेस ऑफ अ प्लांट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम इज कॉल्ड एसजी, मींस सेकेंडरी ग्रोथ। किसी पौधे की चौड़ाई में, ठीक है जी, ग्रोथ, यहां पे थिकनेस भी लिखी जा सकती है, तो किसी पौधे की चौड़ाई में इजाफा होना, क्यों, लेटरल मेरिस्टम की एक्टिविटी की वजह से हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये जो लेटरल मेरिस्टम है, ये दो चीजों यहां पे हम लोगों में पढ़नी है, नंबर वन वैस्कुलर कैम्बियम एंड नंबर टू कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क, आपके पास जो बुक है उसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से है, द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये दो चीजें क्या होती हैं, हमने इसे इन्हें ही कोई पढ़ना। अच्छा,
अब स्टार्ट करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ हमें किन में वाजे तौर पे नजर आती है, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनसे हमें एविडेंस मिलता है कि हाँ सेकेंडरी ग्रोथ मौजूद है। तो तीन तरह के प्लांट होते हैं, नंबर वन एनुअल, बाइनियल और प्रीनियल। एनुअल प्लांट ऐसे पौधे जो साल में सिर्फ एक दफा फल देते हैं, ठीक है। बाइनियल प्लांट ऐसे पौधे जो साल में दो दफा फल देते हैं, और प्रीनियल प्लांट इन्हें एवर लिफ्ट सदाबहार सब सब पौधे कहते हैं, ये साल में फल देते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल। तो हमें जो सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है उसके एविडेंट है प्रीमियम प्लांट। इसके एग्जांपल में ट्री आता है, शर्ब्स हैं और कुछ वाइन्स हैं। वाइन यानी कि बेल है। अब बेलें भी आप लोगों को पता है कि इतनी सी होती है जब निकलती है, लेकिन बाद में कुछ अरसे के बाद वो अच्छी खासी मोटी हो जाती है, तो वो जो मोटाई में इजाफा है उसे हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की है होता क्यों है, तो वैस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम इनकी एक्टिविटी की वजह से होता है, ठीक है। इस वीडियो के स्टार्ट से पहले आप पहले एक एनिमेशन मैंने दिखाई होगी जिसमें आपने इन चीजों को मिलते हुए देखा होगा, पहले इनको मिलते हुए देखा था फिर बाद में ऊपर में किसी चीजों को, ठीक है। हमने उन्हीं दोनों को बात करनी, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वैस्कुलर कैम्बियम जिसकी वजह से स्कैंडी ग्रोथ होती है। तो हम लोग यहां पे ले लेते हैं कि जब पहली दफा एक प्लांट बनता, फॉर एग्जांपल ये बात कर लेते थे, ठीक है, ये पौधा की जड़ ले लें, स्टेम ले लें, और यहां पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे आप जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। इतने स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ इस तरह देखते हैं, ठीक है। ये है जी ऊपर वाला हिस्सा फ्लोएम और नीचे वाला हिस्सा जाइलम, इन केस ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ से जो टिश्यूज बनते हैं उन्हें हम लोग जो सॉरी ग्रोथ के दौरान या सीडलिंग की जब वो सीडलिंग ग्रो करता है तो जो टिश्यू बनते हैं वो प्राइमरी होते हैं या एम्ब्रियोनिक टिश्यूज कहलाते हैं। उनके अंदर ये वाली कंडीशन होती है कि ऊपर फ्लोएम में नीचे जाइलम में। जब ये स्कैंडी ग्रोथ या मजीद ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो इनमें कुछ सेल दरमियान में वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, ना वो जाइलम रहता है ना वो फ्लोएम रहता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको आप लोग कुछ इस तरह हमने एक कुछ हो गया, ये जो सेंटर में सेल्स बनते हैं इन्हें हम लोग कहते हो वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो हमने देखी है ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो डेफिनेशन क्या थी, ये वाला हिस्सा हमारा डेफिनेशन है, द एक्टिवली डिवाइडिंग सिलेंड्रिकल सेल या सिलेंडर ऑफ सेल्स प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। एक्टिवली डिवाइडिंग सिलेंडर ऑफ सेल प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम, ये इन दोनों के दरमियान में होता है, ठीक है। यहां तक हमें वैस्कुलर कैम्बियम की डेफिनेशन समझ आ गई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, सो हियर वी सी वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी जाइलम व्हिच इज आल्सो नोन एज वुड एंड सेकेंडरी फ्लोएम। वैस्कुलर कैम्बियम स्कैंडी जाइलम और स्कैंडी फ्लोएम बनाता है, कहां पे, ये एमसीक्यू से याद रखना, ठीक है जी। अब इतने से स्ट्रक्चर को हम छोड़ देते हैं, यहां पे बात करते हैं। जब प्लांट अपनी प्राइमरी ग्रोथ करता है तो ये जो बंच है स्ट्रक्चर लाइक हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये इसी तरह मौजूद होते हैं जिन्हें हम लोग रेज भी कहते हैं, इन फ्रंट कैम्बियम का नाम भी दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इनकी ग्रोथ मजीद बढ़ती है, तो वीडियो के स्टार्ट में भी आपने देखा है, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये दूसरे सेल्स या दूसरे बंच के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। ये जो कैम्बियम सेल आप कह रहे हैं ये मिलना शुरू हो जाते हैं और एक लेयर बनती है, इस लेयर को वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और हमने अभी पढ़ा कि ये वाला हिस्सा जाइलम था, ये वाला हिस्सा फ्लोएम था, ठीक है, ये वाला हिस्सा जाइलम और ये वाला हिस्सा फ्लोएम। तो वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे, कहां पे, तो इस हिस्से को हमने इस तरह लिखी है, ठीक है जी, इस हिस्से को हमने वैसे कर लिया, क्या जी, बाहर वाला हिस्सा हमारा है फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है जी, और अंदर जो ब्लैक कलर का है वो है हमारा प्राइमरी जाइलम, ठीक है जी, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम। अच्छा, वैस्कुलर कैम्बियम ने सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना, यही चीज बनानी है ना, तो देखते हैं कहां पे। ये ग्रीन ब्लू कलर है, ये है वैस्कुलर कैम्बियम, मैंने यहां पे ब्लू से शो किया ताकि कंफ्यूजन हो। जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है ये अपने अंदर की तरफ, अपने से नीचे, इससे नीचे क्या है जी,
जाइलम मौजूद है। तो ये अपने से नीचे जो स्ट्रक्चर में रहेगा वो होगा सेकेंडरी जाइलम। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम के दरमियान स्पेस है, तो इसने क्या किया जी, इन दोनों के दरमियान नए सेल्स बना दिए। इन नए सेल्स को जिसे मैंने कलर फिल नहीं किया, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। ये बात क्लियर होगी होगी कि वैस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, सेकेंडरी जाइलम बनाता है इनर साइड में, ठीक है। अच्छा ये वाले सब प्राइमरी फ्लोएम है और ये वाले सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम। तो इस प्राइमरी फ्लोएम और वैस्कुलर कैम्बियम के दरमियान भी खाली जगह है, तो ये क्या करेगा, वहां पे सेल बनाएगा, जैसा कि यहां पे नजर आ रहा है। ये वैस्कुलर कैम्बियम और ये है कलर्ड स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था जिसे प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। इन दोनों के दरमियान क्या हुआ, एक नई लेयर बन गई है, ठीक है, उसे आप बताओगे सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। इसे रिपीट करते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम अपने से नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम की लेयर बनाता है और वैस्कुलर कैम्बियम अपने से ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर बनाता है। अब आप भी देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई में कितना फर्क है, ठीक है, ये उससे पहले से ज्यादा मोटा हो गया, इसकी चौड़ाई बढ़ गई। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वैस्कुलर और कॉम कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से किसी पौधे की ग्रोथ में इजाफा होना, इंक्रीज हो जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ये पौधा जो होता है इसमें लकड़ी बनती है, ठीक है, ये मोटा होता है, तो पौधे को सपोर्ट मिलती है, चौड़ाई में इजाफा होता है और इन दोनों की वजह से वो अगेंस्ट ग्रेविटी स्टेबल रहता है, नंबर वन। अच्छा अब यहां पे एक और बात भी है, आप सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से किसी भी प्लांट की, डाइकॉट सबसे ज्यादा एग्जाम्पल बेस्ट है, उसकी एज बता सकती हो, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा जी ये दरख्त उस जंगल में एक दरख्त था 1000 साल पुराना था, उस जंगल में एक दरख्त था 10 साल पुराना था, 100 साल पुराना था, वो हमें कैसे पता चलता है, उसकी वजह भी ये सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात बताते चलूं, इस स्ट्रक्चर को, लेयर वाले स्ट्रक्चर को हमने डॉटेड से या सर्कल से शो किया है, अब हर एक सर्कल एक लाइन बन गया, ठीक है, हर एक सर्कल क्या हुआ एक लाइन। अब यहाँ पे आपको अक्सर माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ब्लैक कलर से मुराद हमने यहाँ पे जाइलम कहा था तो जाइलम बन रहा है, ब्लू कलर वैस्कुलर कैम्बियम है, रेड कलर फ्लोएम है, लेकिन कौन सा, प्राइमरी या सेकेंडरी, वहां पे तो ब्लैक कलर की बहुत सी लाइनें चले प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम समझ आ जाता है कि वहीं पे एडजस्ट किए हैं। तो यहाँ पे बताते चलो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसकी ज्यादातर जो इनसार है वो सेकेंडरी जाइलम पे होता है, वो ज्यादा थिक होता है, ठीक है, और हार्ड होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो नरम होता है। जब ऊपर वाला फ्लोएम और नीचे वाला फ्लोएम ऊपर की तरफ आते हैं तो इसके ऊपर अभी एक और लेयर आ रही है, इसके ऊपर अभी बार्क मौजूद है, ठीक है जी। वो बार्क क्या करेगी, नीचे से सेकेंडरी फ्लोएम, ऊपर से बार्क, दरमियान में जो प्राइमरी फ्लोएम था वो पिंच अप हो जाता है, वो दब जाता है और खत्म हो जाता है, ठीक है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अच्छा जी, तो सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, ये मेजर रोल अदा करता है सेकेंडरी ग्रोथ में। तो जैसे ही स्कैंडी हमने यहाँ पे लिखा भी, स्कैंडी जाइलम मोर थिकर होता है, और एक बात, एक स्कैंडी जाइलम की लेयर, ये जो एक लेयर है ये एक लेयर साल में एक ही बनती है, एक साल में सिर्फ एक लेयर, जैसे कि यहाँ पे तो आपको बहुत सी लेयर नजर आ रही है ना ब्लैक कलर में, लेकिन इन रियल प्लांट के अंदर एक सेकेंडरी जाइलम की जो लेयर है वो एक साल में एक ही बनती है। उस एक लेयर को आप लोग रिंग का नाम देते हैं, ठीक है, एनुअल रिंग, इट इज आल्सो नोन एज द लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इन वन इयर्स एट वन नंबर, आल्सो नोन एज एनुअल रिंग, व्हिच इज हेल्पफुल अस टू डिटरमाइन द एज ऑफ अ प्लांट। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब कैसे थी, जब आप प्लांट को फर्ज करें उसकी ट्रंक वगैरह को कट लगाते हैं तो उसके नीचे से हमें लेयर नजर आती है, ठीक है, कट कर दिया प्लांट ट्रंक को, तो वो लेयर्स को हम लोग जाइलम की लेयर्स को गिनते हैं और हमें पता चल जाता है उस प्लांट की एज क्या। फॉर एग्जांपल फर्ज करें एक दरख्त था इस तरह, हमने इसे यहां से काटा और ऐसे करके देख रहे हैं, तो हमने यहां पर सिमिलरली हमें लेयर्स नजर आ रही है, हमें गिननी है 1 2 3 4 5, ये 5 स्कैंडी जाइलम की लेयर है, मीन प्लांट 5 साल पुराना। यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब जब इतनी सारी स्कैंडरी जाइलम की नई लेयर बनेगी तो एक मसला आएगा, क्या जी, प्लांट की ग्रोथ में तो इजाफा हो रहा होता है लेकिन दो तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, मैं भी बात की हुई है स्कैंडरी जाइलम को वुड कहते हैं,
तो ये जो स्कैंडी जाइलम है, जैसा कि यहाँ पे आपको पांच नजर आ रहे होंगे, तो जो स्कैंडी जाइलम ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ होगा सेंटर के लिहाज से, अगेन रिपीट करता हूं, जो स्कैंडी जाइलम की लेयर सेंटर के लिहाज से ज्यादा बाहर होगी वो यंग एक्टिव होगी, और जितनी लेयर सेंटर के करीब होगी वो उतनी ओल्ड इनएक्टिव होना शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटर में वन लेयर है और सबसे आउटर फाइव लेयर है, तो फाइव लेयर जो एक्टिव है यंग है और जो बाकी चार है वो इनएक्टिव है। इन्हें आहिस्ता इनएक्टिव क्यों, क्योंकि जिस तरह नई लेयर बनती है पिछली लेयर को न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, एनर्जी वाटर मिनरल्स कम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता इनएक्टिव होती है। यहां तक क्लियर हो गया हमारा, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर तो वुड के रहेगा। इस वुड के अंदर दो तरह की वुड बन जाती है, एक वो जो एक्टिव है जो पानी वगैरह न्यूट्रिशन एक्टिव करे कंडक्शन करे, और दूसरी वो जो आहिस्ता आहिस्ता डेड हो रही है। ये हमारी बुक का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो कह रही types of wood, there is a two types of wood, number one sapwood which live, conduct, activate, and the other is hardwood which is inactivate, dead, old, आप जो भी नाम दे रहे हैं। तो sapwood की तरफ आते हैं, it is a outer active portion, यहाँ पे number five layer की बात हो रही है, number five layer होगी वो sapwood है, क्योंकि active है और outer layer है किसका, scandis layer का, और करता क्या है, water और minerals को conduct करता है प्लांट के मुख्य हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, जबकि हार्डवुड क्या है, इनर लेयर, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये क्या हो गए, ये इनएक्टिव हो रही है, वजह ये पिछले सालों में पैदा हुई थी, इस साल पांचवी लेयर बन गई है, ठीक है, अगले साल ये पांचवी के ऊपर छठी आएगी, तो पांचवी भी इनएक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो ये इनर पोर्शन होता है स्कैंडिस आइलैंड का और ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, और ये क्योंकि लकड़ी हमने बात की है तो ये स्पोर्ट करता है और स्टोर करता है कुछ पौधों के अंदर, जो स्कैंडी जाइलम के इनएक्टिव पोर्शन होते हैं इसके अंदर केमिकल स्टोर किए जाते हैं, सच एज वैक्सेस केमिकल्स, ठीक है जी, टैनिंस, जिसकी वजह से वो जो केमिकल स्टोर होने की वजह से जो स्कैंडी जाइलम है जो इनएक्टिव था हार्डवुड था, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसका टेक्सचर, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें मुख्तलिफ केमिकल के स्टोर होने से डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट होती है, जिनकी वजह से वो जो लकड़ी है, ठीक है, उन्हें डिफरेंट टेक्सचर्स या डिफरेंट केमिकल स्टोर होने की वजह से उस लकड़ी की नेचर बदल जाएगी और वो डिफरेंट काम में आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीन दी गई हैं, क्विसर स्वीपर, ठीक है, स्वीपर, ये जो आप लोग टेस्ट ट्यूब के ऊपर, ठीक है, ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब होती है, सॉरी ज्यादा मोटी बन गई, टेस्ट ट्यूब, इसके ऊपर जो हम लोग एक कॉक लाइक स्ट्रक्चर लगाते हैं, ठीक है, एक कॉक लाइक स्ट्रक्चर लगाते हैं जो नॉर्मली शराब की बोतलों के ऊपर भी होता है, रबड़ जैसा लगता है, वो क्यूबर जो होता है वो हार्डवुड से बनता है। इसके अलावा वाइट ऐश एक दरख्त का नाम है, हमारे जो क्रिकेट बैट या टेनिस रैकेट होते हैं वो वाइट ऐश लकड़ी से बनते हैं, और रेड स्पियर्स है ये वायलिन, ठीक है जी, एक इंस्ट्रूमेंट है सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें बनाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो ये होती है। अच्छा जी, यहां तक हमारा टॉपिक एक कवर होता है, अब हमें आगे बात करनी है जी व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम, तो मैं इतने सेकंड साफ कर देता हूं, ठीक है। अच्छा जी, इस लकड़ी की बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हमने स्कैंडी जाइलम वेस्टर्न कैम्बियम फ्लोएम की बात की है, इसके ऊपर, ठीक है जी, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, ये जितना भी दरमियान में व्हाइट हिस्सा आपको नजर आ रहा है इट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स होता है, ये जो ब्लैक लेयर है, ठीक है जी, इस लेयर को आप लोग कहते हो कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेगी, इसके अंदर कैम्बियम सेल, सॉरी कॉर्क सेल होते हैं, जितनी ज्यादा इस कॉर्क कैम्बियम की ग्रोथ होगी, डिवीजन ज्यादा होगी, उतने ज्यादा कॉर्क कैम्बियम बनेंगे, और ये कैम्बियम एपिडर्मिस को फाड़ते हुए दरख्त के बाहर आएंगे, और उस दरख्त के बाहर एक छिलका सा बना देंगे, ठीक है जी, जो हमें नजर आता है ब्राउनिश इररेगुलर स्ट्रक्चर, जिसमें अक्सर आप निकाल लेंटिसेल्स का जिक्र भी करते हैं। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है, ये सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस से थोड़ा सा नीचे होती है, एपिडर्मिस के नीचे ये कैम्बियम होता है जिसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, ये कॉर्क कैम्बियम कैम्बियम कॉर्क सेल बनाता है, ये सेल क्या होते हैं सिब्रिन से भरे होते हैं, केमिकल है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऊपर जो लेयर बनती है ये आप कह सकते हैं इम्परमीएबल होते हैं वाटर सब्सटेंसेस के लिए, वाटर चीजें इनमें से गुजर नहीं पाती। और अब यहां से बात करते हैं, एक लफ्ज होता है स्टेम,
ठीक है, हमारा तकरीबन खत्म होने वाला है। स्टेम आप लोग तने को कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको बताते हैं जो स्टेम होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है, एक है बार्क और एक है जी हमारा वेस्कुलर कैम्बियम लेयर। बार्क आगे किन चीजों से मिलकर बनती है जी? नंबर वन कॉर्क, सबसे बाहर वाली लेयर छिलका। नंबर टू कॉर्क कैम्बियम, इस छिलके और एपिडर्मिस से नीचे जो लेयर है। नंबर थ्री फ्लोएम, इसमें फ्लोएम को सारा कुछ आ गया, स्कैंडिजा फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम। और जो वेस्कुलर कैम्बियम, इसकी जगह आप लफ्ज़ लिख लें वुड। वुड में कौन सी चीज आती है? प्राइमरी स्कैंडरी जाइलम का, ठीक है। तो इस तरह ये सारा स्ट्रक्चर मिलके स्टेम बना रहा होता है, ठीक है। अब आपके पास जो बुक है उसके ये जो टॉपिक खत्म हो रहा है उसके राइट साइड पे आप देखें, आई थिंक राइट या लेफ्ट, येलो बॉक्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कैलस, ठीक है। जिस तरह हमें चोट लगती है, जख्म लगती है तो खून निकलता है, थोड़ी देर के बाद वहां पे एक छिलका बन जाता है फिब्रोजिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन फिब्रोजिन, या हमारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, वहां पे आके क्लॉट बना देती है ताकि खून ना निकले। कुछ अरसे के बाद उस क्लॉट आहिस्ता आहिस्ता होता था और नीचे से हमारी स्किन बन चुकी होती है। सिमिलरली जब पौधों में डैमेज होता है, ठीक है, कट लगता है, कोई नुकसान होता है, तो वहां पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग से बना ज्यादा फ्लोएम से जो चीजें निकलती हैं, पैरेन्काइमेटिक सेल्स उस जख्म के माइग्रेट होते हैं और उसे जख्म को वहीं पे फिक्स कर देते हैं, एक छिलका बना देते हैं। उस छिलके को आप लोग कैलस का नाम देते हो, और ये कैलस जब तक रहता है नीचे से रिपेयरिंग का काम हो रहा होता है, आस्ते आस्ते कैलस उतरता है और वो जो स्टेम के जैसे समय चोट लगी थी वहां पे जो सेल्स खत्म हुए थे, डैमेज हुए थे, वो सेल्स वापस बनाए जा चुके होते हैं और वो जगह वैसे ही रिपेयर हो जाती है। तो ये था जी आज का हमारा।